राधे राधे, स्वागत है आपका कृष्णा चल फैमिली व्लॉग में। हम बात करते हैं पूजा पाठ से रिलेटेड। आज की जो वीडियो है वो कान्हा जी की जो लीलाएं हैं उनसे रिलेटेड है। तो जी शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक बार क्या होता है, कान्हा जी की भगत होती हैं कांताबाई, उनका नाम होता है, वो एक महिला होती हैं। तो बांके बिहारी मंदिर में वो बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए प्रतिदिन सुबह जाया करती थी। तो एक दिन भी प्रतिदिन की तरह वह मंदिर में जो है दर्शन करने के लिए गई हुई थी। वहाँ पे उन्होंने देखा कि जो लड्डू गोपाल जी हैं वहाँ उनकी बहुत ही सुंदर सुंदर जो प्रतिमाएं हैं वो रखी हुई हैं। तो उन्होंने सोचा कि मैं भी एक प्रतिमा है जो उनकी ले लेती हूँ। तो उन्होंने ये सोच कर लड्डू गोपाल जी की एक प्रतिमा है जो वो ले ली और उसको अपने घर ले गई। वो महिला कांतिबाई जो महिला थी वो हमेशा अकेली ही रहती थी। उसकी एक पुत्री थी जो विवाह कर चुका था, उसका पास ही के गांव में उसका विवाह हो चुका था। तो अभी कांताबाई अकेली ही रहा करती थी और अब वह अपने लड्डू गोपाल जी को अपने घर में लेके आई थी। तो अभी उनकी सेवा पूजा अर्चना में लगी रहती थी। वह घर में अकेली रहती थी तो लड्डू गोपाल जी के साथ बातें करती थी, हमेशा उनके साथ ही रहती, कभी उनको अकेला नहीं छोड़ती। तो खिलाती पिलाती सुलाती सारा कार्य उनका करती थी। एक दिन वह दिन में सो रही थी तो उसने सोचा लड्डू गोपाल जी को भी सुला देती हूँ। दूसरे कमरे में लड्डू गोपाल जी को सुला दिया और दूसरे कमरे में जाके खुद सो गई। तो उसको इतनी ज़ोर ज़ोर से हिचकियाँ हैं जो सताने लगी, बार बार हिचकियाँ उस महिला को आ रही थी, लेकिन वह सोच नहीं पा रही थी कि मुझे हिचकियाँ क्यों आ रही हैं। वह हिचकियों से परेशान होकर उठकर बैठ गई और सोचने लगी कि मुझे इतनी ज़ोर ज़ोर से कौन याद कर रहा है जो मुझे बार बार हिचकियाँ हैं जो वो आ रही हैं। तो उसने सोचा मेरे लड्डू गोपाल जी मेरे को याद कर रहे होंगे। तो वह दौड़ी दौड़ी दूसरे कमरे में गई तो उसने देखा लड्डू गोपाल जी लेटे हुए हैं। उसने लड्डू गोपाल जी को उठाया और कहा मेरा लल्ला मुझे याद कर रहा था, अकेले कमरे में डर गया होगा इसलिए मुझे बार बार हिचकियाँ आ रही थी। तो वह लड्डू गोपाल जी को बैठाकर उससे फिर बतियाने लगी, बातें करने लगी। तो इतनी देर में क्या होता है, उसकी जो पुत्री थी वो आ जाती है, जिसकी शादी पास के गांव में हो चुकी थी, वो आ जाती है और बोलती हैं कि ये सारी घटना है जो महिला अपनी पुत्री को बताती है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ और मुझे हिचकियाँ जोर की हिचकियाँ लगने लगी। तो उसकी जो पुत्री थी वो सारा श्रेय अपने ऊपर ले लेती है और कहती है कि माँ मैं तुझे बहुत ही सच्चे मन से याद कर रही थी इसलिए तुम्हें हिचकियाँ आ रही होंगी। तो उसने सोचा कि ऐसा भी हो सकता है क्या, तू इतनी दूर बैठे मेरे को याद कर रही है और मुझे यहाँ पे हिचकियाँ आ रही हैं। तो वह बोलती है कि हाँ माँ ऐसा होता है, अगर कोई सच्चे मन से याद करता है तो उसको हिचकियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। तो वह इस दुविधा में बैठ गई और वह महिला सोचने लगी अगर मुझे हिचकियाँ आ रही थी, मैं इतनी परेशान हो रही थी हिचकियों में, अगर मैं मेरे लल्ला को मेरे लड्डू गोपाल को याद करती हूँ तो वो उनको भी हिचकी आती होंगी और वो भी हिचकियों से बावले हो जाते होंगे, उनको भी हिचकियों से परेशानी है जो होती होगी। लेकिन ऐसा क्या किया जाए कि मेरा लल्ला बिल्कुल भी परेशान ना हो, उसको किसी भी प्रकार की परेशानी ना आए। तो वह निर्णय लेती है कि मैं लड्डू गोपाल जी को याद करना छोड़ दूँगी, बिल्कुल भी उन्हें याद नहीं करूँगी और जो है उन्हें हिचकियाँ भी नहीं आएँगी और वो परेशान भी नहीं होंगे। तो उसने उस महिला ने वो लड्डू गोपाल अपनी पुत्री को दे दिया कि सेवा करने के लिए कि तुम प्रतिदिन सेवा करना, मैं कभी भी अपने लड्डू गोपाल जी को याद नहीं करूँगी, अगर मैं याद करूँगी तो उनको हिचकियाँ आएँगी और वो दुखी हो जाएँगे, परेशान हो जाएँगे। तो उसने निर्णय लिया कि वो कभी भी उन्हें याद नहीं करेगी और महिला ने वो निर्णय जो है भली भांति निभाया भी। उसने लड्डू गोपाल जी को याद करना बिल्कुल ही छोड़ दिया, कभी भी लड्डू गोपाल जी के अगर थोड़ा सा भी ये अनुभव होता कि उनका जो प्रतिबिंब है सामने प्रतीत होता तो वह बांके बिहारी जी के मंदिर में चली जाती और वहाँ दर्शन कर लेती। लेकिन वह उन्होंने कभी भी लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल भी याद ना किया। तो एक बार क्या है, वो महिला सो रही थी तो ऐसा लगा उसको सपने में लड्डू गोपाल जी प्रतीत हुए एकदम से, और उसको लगा कि लड्डू गोपाल जी मेरे को मेरा पैर पकड़ के उठा रहे हैं कि हे माता उठिए, आपने तो मुझे बिल्कुल ही याद करना छोड़ दिया है, आपने तो मेरा स्वरूप भी देखना है जो बंद कर दिया है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी नहीं भूलूँगा। तो
उस महिला की जाग एकदम से आँख खुल गई और कहती है, प्रभु आप तो, लड्डू गोपाल जी कहते हैं, आपने तो मुझे दूसरों के भरोसे ही छोड़ दिया, अब तो आप मेरा नाम ही नहीं लेती। तो महिला कहती है कि हे प्रभु, मैंने अब आपको याद करना ही छोड़ दिया है, क्योंकि अगर मैं याद करूंगी तो आपको परेशानी होगी, लेकिन जो भक्त होते हैं, जो इतने बड़े बड़े ऋषि होते हैं, वो आपके दर्शन नहीं कर पाते, लेकिन मैं एक छोटी सी तुच्छ प्राणी के सामने आप प्रकट हो गए, इसका क्या रहस्य है, मैंने तो आपको इतना कभी याद भी नहीं किया। तो लड्डू गोपाल जी कहते हैं, जो मुझे याद करता है उनके पीछे कोई ना कोई रहस्य होता है, कोई धन के लिए मुझे याद करता है, कोई अपनी महिमा के लिए पाने के लिए मुझे याद करता है, ये ऋषि मुनि होते हैं, ये अपनी जीवन की जिंदगी की मुक्ति पाने के लिए मुझे याद करते हैं, लेकिन एक तुम हो, तो तुम्हारे जैसा भक्त मैंने कहीं नहीं देखा, जो मेरी परेशानी के लिए तुमने मुझे याद करना ही बन गया, तो तुम ही मेरी सच्ची भगत हो, जो मेरे दुख के लिए स्वयं को कष्ट दे रही हो, तुम्हारा नाम भी मेरे साथ जोड़ दिया जाएगा। तभी जो है कांताबाई के प्राण निकल गए और वह अपने प्रभु में लीन हो गई, मगन हो गई, उनके साथ ही चल बसी। तो यह कहानी अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आने वाली वीडियो है जो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और रिलेटेड पूजा पाठ से रिलेटेड वीडियो आपको मिल सके। हरे कृष्णा, राधे राधे।